शास्त्री जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसी हैं पूजा जी? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है इन दिनों, क्या प्लानिंग चल रही है इन दिनों, क्या फिल्में लेकर आ रहे हैं? बस बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज देने वाले हैं। आई होप कि अप्रैल में ही आपको अच्छी न्यूज मिलेगी और भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के साथ आ रहे हैं जी। जिसमें मेरे साथ संजय भूषण है और शिवा है। जैसे कि आपने पहले हिंदी फिल्में भी की है, भोजपुरी भी की है, क्या उन सबसे क्या हटकर आपकी आने वाली फिल्में होंगी? सिनेमा तो वही है, भोजपुरी हिंदी। अब ये प्रश्न है कि हट के नहीं होगी, भोजपुरी फिल्म होगी और हिंदी फिल्म होगी, लेकिन एक हेल्दी फिल्म होगी और अच्छी फिल्म होगी जो पब्लिक को इंटरेक्ट करेगी और समाज में एक मैसेज देगी। भोजपुरी की बात करें, जो आपकी पहली फिल्म थी भोजपुरी की, उसमें रवि किशन जी थे, मोनालिसा जी थी, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या वही होंगे या कोई और स्टार का स्टार फाइनलाइज करने वाले? पूजा जी, मैं अभी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन आई होप कि अगले इंटरव्यू में आप जान जाएंगे कि कौन कौन है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि भोजपुरी की एटलीस्ट 3 फिल्में और हिंदी की 1 फिल्म के साथ मैं आ रहा हूँ वापस। नहीं, एक फैमिली एंटरटेनमेंट होगा। मैं फिल्म वो बनाऊंगा जो मैं मेरी बेटी के साथ बैठ के देख सकूं, तो इट विल बी 100% फैमिलियर फिल्म विथ लिमिटेड मसाला जो हम देख सकें अपने घर वालों के साथ बैठ के। स्टार कास्ट कैसे होंगे, न्यू कमर होगा या जो ऑलरेडी मार्केट में जैसे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं वो होंगे या कौन होंगे? स्टार कास्ट के लिए क्या सोचा है? ये मैं आपको बताऊंगा अगले इंटरव्यू में, क्योंकि मेरी बातचीत चल रही है और अच्छी फिल्म बनाऊंगा, अच्छे लोगों के साथ बनाऊंगा। और जो हिंदी फिल्म आ रही है उसके बारे में कुछ बताइए। हिंदी फिल्म के बारे में ये बता दूं आपको कि एक सेंसेशनल फिल्म है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये एक रियल स्टोरी है, ऑपरेशन डेजर्ट करके है, आप गूगल कर सकते हो, उसी पे हम लोग फिल्म कर लेके आ रहे हैं और एक हाई लेवल की फिल्म होगी। शूटिंग को लेकर क्या प्लानिंग है, शूटिंग कहाँ की जाएगी भोजपुरी और हिंदी फिल्मों की? देखिए, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग तो यूपी में ही हम करेंगे और हिंदी फिल्म जो है उसकी 80% शूटिंग यूपी में होगी।